All bets on sports. What is bet? Huge winnings. What is bet? High odds. What is bet? Fast pay. What is bet? What is bet? Bookmaker Company. Hey, रुको. आराम से. जल्दी. तुम गए सालो. Okay, go. अबे आ गए ये तो जरा लिफ्ट मिलेगी? हाँ क्यों नहीं. ओए मेरी गाड़ी से निकलो. बस थोड़ी देर प्लीज. बस एक मिनट. थैंक्स. ओके. जान बचा रहे हैं. जान बचा रहे हैं. सॉरी. चलो बच गए. वो वापस आ गए. शुक्रिया. याद रखेंगे यार. मैं प्योरो हूँ. तुम यहीं से हो? हे, मेरे सामान पे हाथ नहीं. ठीक है. अकेले ड्राइव इन थिएटर में क्या कर रहे हो? तुम मेरी कार से निकलो. मुझे लगता है तुम यहाँ के नहीं हो, है ना? तो फिर कहाँ से? माफ करना दोस्त, इसे तमीज नाम की चीज नहीं है. और तुझे जॉकर कहीं गए? तुम लोग ना? हाँ बस ठीक है. तुम्हारे दोस्त कितने पका हुए हैं? Night of Living Dead, अच्छी फिल्म है. तुमने देखी है ना? ठोक दे से एकदम आंखों के बीच. मेरी फेवरेट फिल्म है. वो तो है. हाँ हाँ. रमन. स्टेला. चक. होगी. चलो बाहर निकलो. निकलो बाहर. Get out of the car. तुमने सुना नहीं? सब बाहर निकलो. और तू भी भूरिए, जल्दी निकलो बाहर. अपनी माँ जैसी बनेगी क्या स्टेला? गोबर की बदबू आ रही है तुझमें से. मेरी कार से दूर हट जा. ओए बीच में मत खड़े हो. हाँ हाँ. या तो कार में जा या भाग जा. ए, तुम बचे नहीं हो. कटले हटना पगलेट. चल चल अपनी गाड़ी में चल. Let's go, come on. आ जा रहा हूँ. कहाँ जाओगे? उस तरफ. ओके चलो फिर. Oh my God. तुम ठीक हो? Excuse me, एक मिनट. मैंने कुछ कहा क्या? नहीं, उस चूपे टॉमी ने कहा. उसकी माँ उसे छोड़ गई थी बचपन में. ऐसे ही लोग साले आज भी भौंकते हैं, पर छोटे शहर के लोग हैं ना. गॉसिप बदलती रहती है. परेशानी तो होती है जब कोई ऐसा बोलता है. पर्सनल है ना. और बस हम ही दोस्त हैं. मैं
मैं तो कहूँगा तेरे टाइप की लड़की है ना भाई। ये स्टेला है यार, किसी के टाइप की नहीं। ऐसा नहीं है मेरे यार। अबे तुझे तो हर लड़की पसंद आती है। ऐसी नहीं है यार। तेरे पास चाकू चोरी है कुछ? मुझे मुझे दिखाना तो। क्या मैंने कहा मेरे पास है? हाँ कहा तो नहीं भाई। इस पे पक्का चाकू है। हेलो बीन है, तुम्हें भूतिया घर देखना है? मजाक नहीं, कहा था ना भूत बंगला है। हेलोवीन पे तो यहाँ बहुत सारे लोग होने चाहिए थे। होते तो थे पर एक बच्चा गुम हो गया तो बंद कर दिया इसे। तोड़ रहे हैं, अब मॉल बन रहा है। गाइस, घुस बे जोकर। बस कर। चलो देख लिए, अब चलें। अबे फट्टू है क्या? मुझे ऐसी जगह रुकने का कोई शौक नहीं है जहां बच्चे मारने वाला रहता हो। यहां कोई मरा था? प्रिटी डार्क। कौन रहता था यहाँ? बिलोज, यहाँ की सबसे पुरानी फैमिलीज में से एक। 19th century में जिस पेपर मिल की वजह से शहर जाना जाता है इन्होंने ही बनवाई थी। सीढ़ियाँ तो ढूंढो यार। मिल गई। मुझे तो पहले ही पता था ताले लगे होंगे। ये है मेरी जान शीला। तेरे हाथ का नाम है बेबी। बढ़िया शीला। शीला ये चिकना तो तुझसे बहुत सही है। अपनी बेटी को छुपा कर रखते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे उसे। किससे सुने हैं उसके अजीब से? सबसे अजीब ये कि उन्होंने उसे हर पोर्ट्रेट से मिटा दिया। आज तक किसी ने सारा की एक फोटो तक नहीं देखी। उन्होंने इसे अपनाया नहीं। भाग जोकर भाग। भाग जोकर भाग। पकड़ के तो दिखा। चक अगर तूने मुझे डराया तो मुक्का मार दूंगा। तो क्या हुआ उसका? बच्चे उसे मिलने के लिए आया करते थे, एक बार देखने के लिए बस। और कभी उन्होंने उसे देखा तो नहीं पर सुन जरूर पाते थे दीवार के पास। वो उन्हें कहानियां सुनाती, स्कैरी स्टोरी। कुछ बच्चे लौटते ही नहीं थे, कुछ घर पहुंच के मरते थे जहर से शायद। सबको पता था कि ये सारा ने किया, पर इससे पहले भीड़ उसे मारती उसने खुद को फांसी लगाई नहीं बालों से। सबसे कहते हैं कि शाम के बाद अगर कोई हाउस बिलो में आके कहानियां सुनाने को कहता है तो वो जिंदगी की आखिरी कहानी सुनता है। ये क्या? धक्का दो उस तरफ, धक्का दो उस तरफ। कम ऑन।
मुझे कोशिश करने दो। That's a dead end. ये उसका कमरा है। तुम मुझे नहीं डराओगे? चाक, ये क्या है? अरे बुढ़िया कहाँ गई? अंधेर कैसे? कौन बुढ़िया? हमें निकलना चाहिए। स्टेला, स्टेला, इधर आओ। स्टेला, हम जा रहे हैं। गाइस यहाँ आओ, देखो इसे। क्यों, अब किसकी फटी? चुप कर। यही उसे रखते थे वो दुनिया से अलग, बंद, जैसे कोई कैदी। वो यहाँ बैठा करती होगी दीवार के पास और कहानियाँ सुनाती रहती होगी। ये हमने पहले क्यों नहीं देखा? क्योंकि कोई दिखना नहीं चाहता होगा। चले यहां से। वो क्या है? वाओ, लगता है ये उसकी डरावनी कहानियों की किताब है। वो किताब से सुनाती थी? जो किस्से मैंने सुने हैं उनमें किताब नहीं थी। नहीं, मैंने हर किस्से में बुक का नाम सुना है और ये कि वो बच्चों के खून से लिखी थी। बच्चे ये कहानियाँ सुनकर मरे थे यार। अब इसे रखो और निकलते हैं सब यहाँ से। ये क्या था? सब चुप हो जाओ। रोज तुम हो क्या? रोज तुम हो क्या? तुम्हारी गलती है। मजाक हो गया, अगर तुमने नहीं खोला। ऐसा मत करो यार। तो मैं चीफ को बता दूंगी। क्यों करोगी ऐसा? बहुत हुआ टोमी, अब दरवाजा खोलो। मेरा छोटा भाई है वो, प्लीज। दरवाजा खोल पगले। खोलूं?
रोज टॉमी हमें बाहर आने दो यार। तू भी अंदर जा। टॉमी मुझे माफ कर दे यार, टाइम पे घर पहुंच जाना बच्चों। ओह नो, अब क्या? ओह नो, हटो हटो हटो, रुको, हटाओ हटाओ इसे, मुझे कुछ काट गया। रुको मैं देखता हूँ, चला खाली है, कोई मकड़ी नहीं है। धन्यवाद। ओगी तू एक नंबर का चमन है, थोड़ी देर जोकर मत बन और हमारी मदद कर ले। लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करके मजा मत ले। एक नहीं वो दो थी। कमोन कमोन, और जोर लगाओ। सारा बिलो, मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कहानी सुनाओ। सारा बिलो, मुझे कहानी सुनाओ। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, वहाँ कोई है। वापस आ गया टॉमी, हेल्प। टॉमी मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए सॉरी, दोबारा नहीं करूंगा। टॉमी प्लीज। ऐसे साइको के साथ डेट पर कौन जाता है? कम से कम वो शिट तो नहीं इकट्ठी करता। ये किसने खोला? कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलते यहाँ से। अरे वाह पियरू, थैंक यू। सी मजे हो गए। शिट, सॉरी हमारी वजह से तुम्हें। क्यों किया उसने ऐसा? टॉमी हद से गिरा इंसान है। मैंने मिल्क बॉक्स में गैस मारी थी, उससे भी गिरी हरकत की है ये। पांचवी क्लास की बात है। नाइंथ की। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं कोई बात नहीं, सुबह तक यहीं रुक जाऊंगा और फिर शॉप जाऊंगा। बेसमेंट में सोफे हैं मेरे यहाँ, तुम उस पे सो सकते हो। देखो मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहता था। कोई नहीं, डैड के उठने से पहले निकल जाना। सैम का पेट बना चूहा, क्या कहानी है? अभी पूरी नहीं है। मुझे ये बचपन से पसंद है। कलेक्ट करती हो? हाँ मैंने सारी पढ़ी है, आगे से पीछे तक। सच बताऊं तो तुम यहाँ रहकर राइटर नहीं बन सकती, तुम्हें शहर जाना ही होगा। मैं डैड को नहीं छोड़ सकती। आती आप? बेसमेंट नीचे है, हमेशा नीचे ही होते हैं।
मे आई कैरी योर बास्केट वेंडिगो? Harold. तुम लेट हो, फिर से पी ली। हेलोवीन है। तुम्हें वॉलवर्टन्स को अंडे देने जाना था। अभी? अभी। फकिंग वॉलवर्टन्स और उनके अंडे। क्या? टॉमी ताउम्र उस बिजुका से नफरत करता था, अंडे उठाए और घर से आखिरी बार निकला था। टॉमी, मम्मी
हे भगवान, अरे देखो तो जरा, मुझे लगा तुम बस भोले भटके यहाँ आए हो। स्ट्रेंजर, हाँ जा रहा था। कल रात से टॉमी मिलनर गुम है। गवाहों के मुताबिक ड्राइव इन पे उसका झगड़ा हुआ। तुम्हारी गाड़ी उसी ने तो नहीं खराब की? तुम्हारा नाम क्या है? रेमोन रोड्रिगस। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब कुछ और दिन तुम यहाँ रुक जा, ठीक है? रोड्रिगस। ये कहानी पहले नहीं थी, राइटिंग तो लाल ही थी पर गाढ़ी, जैसे खून। तू ये कैसे खा सकता है? तुझे पता है वहाँ कितने बॉडी पार्ट्स मिले? 7। मैंने मैगजीन में पढ़ा था। वाओ, वो स्केयरक्रो बन जाता है। कूल। मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये कहानी अपने आप आ गई इसमें। देखो, और टॉमी स्कूल भी नहीं आया, बस जैसे गायब हो गया। सबको पता है उसने कोई गैंग ही ज्वाइन करना था, शायद स्कूल से ही जल्दी चला गया। एक कमरे में मैंने, मत शुरू कर। नहीं, बताओ मुझे। जब मैं छुप रहा था, मैंने कमरे में देखा, एकदम पहले जैसा नया साफ, और मैंने वहाँ कुत्ता देखा और एक बूढ़ी औरत जो मुझे घूर रहे थे। और क्या कहा तूने? टॉमी ने जो कहा उसके अलावा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? टॉमी कहा, अच्छा हुआ हमें वहाँ नहीं होना चाहिए था, बुक नहीं लेनी चाहिए थी। तुम्हारे दिमाग में वो कहानी घर कर गई है, बस यही बात है। मुझे डर है टॉमी स्कूल नहीं आया और बुक में उसका नाम छप गया। इनमें कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। स्टेला, मुझे के चक्कर में नहीं पड़ना, पर मुझे ये देखना है। टॉमी ने कल यही कपड़े पहने हुए थे। ओके, टॉमी। ये अगर टॉमी हुआ तो, और जो बुक में लिखा है वही हुआ हो? ओ, डराने की अच्छी कोशिश की, ये बस एक बिजू का है। टॉमी के बारे में सुना? वो मिसिंग है। तुम लेट हो गई, और शिफ्ट ले ली, जरूरी था। मन नहीं कर सका, फ्रिज में खाना रखा है।
क्या पहले भी इतना ही काम करते थे जब माँ हुआ करती थी? कल वो लड़का वापस नहीं आया। हाँ सुना मैंने। तुम कुछ दिन सीधे घर आना स्कूल से, ओके? पोत लिया अपने सारे दाने। ये मकड़ी का काटा है पिछवाड़ के फोड़े। तुम तो जा रहे थे, भूख लगी है? हाँ बहुत जोर से। मैं टॉमी के गुम होने के बारे में सोच के परेशान हूँ, कुछ तो ये किताब कहाँ से? तुम्हारी बुक शेल्फ पे रखी थी। नहीं मैं वापस इसे वहाँ छोड़ आई थी। Here, it wasn't. I took this back to the house. क्या? How's it getting? ये वापस यहाँ कैसे आई? पैर का अंगूठा, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? क्या है ये, कैसे हो सकता है? हमें इसे रोकना होगा। माँ बगीचा खोद रही थी, उसे अंगूठा दिखा, वो बोली इसका साग बनाती हूँ। ये कैसी कहानी है? क्या कुछ नहीं है, मैंने कहा था कि जेफ के साथ जाओ, उससे पहले कुछ सामान ला देना। नहीं अब मैं उसे डैड नहीं कहूंगा। नहीं मैं स्टू खा रहा हूँ, फ्रिज में जो साग है किसी ने तो बनाया। आओ फिर मिलते हैं, लव यू। उठाओगी? खाना खा रहा हूँ। ओगी स्टेला, ओगी कुछ मत खाना। सुनो अगली कहानी में तुम हो, कुछ भी मत खाना। ओ वेरी फनी, चकने डराने को कहा। होगी ये मजाक नहीं है, ये स्टोरी अपने आप लिखी जा रही है, जाने कैसे हो रहा है पर हो रहा है। एक आवाज ने उसे डरा दिया, वो थी कि इसने मेरा अंगूठा लिया। एक लाश थी, वो अपना अंगूठा लेने आई थी। मुझे ये कहानी पता है, मेरे पापा सुनते थे। बचपन में बहुत डरता था इससे, अभी क्या आवाज का वेट करूं? नहीं हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इसे, और उसकी आवाज तेज होने लगी। मेरा अंगूठा किसने लिया? मैं अकेला हूँ यहाँ, कोई आवाज नहीं है। आवाज आएगी, सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है। सुनो ओगी कुछ मत खाओ। ओगी 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 सुनो सुनो हमारी बात सुनो। ओगी तुमने सुना? क्या सुना? नहीं कुछ नहीं सुना। साग में अंगूठा था, अंगूठा। आगे क्या लिखा है? वो डर चुका था, पर उसे लगा कि लाश मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। बुक को ये कैसे पता है? और
और फिर उसे आवाज आई, किसने लिया मेरा अंगूठा? ओगी, घर से बाहर भागो। उसका घर पास ही है। All bets on sports. What is fair? Huge winnings. What is fair? High odds. What is fair? Fast pay. What is fair? What is fair? Bookmaker Company. मेरा अंगूठा। खुल जा, खुल जा ना। यहाँ सिर्फ एक गुमनाम इंसान है, हमारा अपना टॉमी मिलर, अपने छोटे से मिल वैली का लड़का, बिल्कुल यहाँ इस छोटी सी मिल वैली में। मुझे ये किताब मिली थी, मैं इसे घर लाई। तुम्हारी गलती नहीं है, पता है मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की वजह मैं खुद हूँ। मेरी माँ मुझे छोड़ गए। ये सच नहीं है। देर हो गई, सॉरी, इसे मेकअप करना था। तू इतना सड़ा हुआ भाई नहीं होता तो मुझे स्ट्रेस के पिंपल नहीं होते। जरूरी क्या है? ओगी कहाँ है? ओगी नहीं है। एक और कहानी लिखी गई हमारी आंखों के सामने। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या बकवास है।
बासी जोक मारने बंद करो, हेलोवीन चला गया। कहाँ है ओगी? पता नहीं, उसके पेरेंट्स घूमने गए हैं और वो गायब। क्या मतलब नहीं पता, ढूंढते हैं ना। वो नहीं मिलेगा अब, पहले वो टॉमी गया और अब ओगी। एक बूढ़ी औरत देखी, उनकी कहानियाँ बुक में छपी, इन द बुक, और ये रोज रात को हुआ, नाइट। हे भगवान, अंगूठा खा गया। किताब हम नहीं पढ़ रहे, वो हमें पढ़ रही है। मुझे डर है कि हमने कोई चीज जगा दी है, और अब हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। हम सब उस घर में गए थे। ये सब बकवास है, समझे? Okay. कहानियां कुछ नहीं कर सकती। सैरा बेलोज एक अफवाह है, और नहीं भी तो वो मर चुकी थी। Dead. हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं जा सकते, उन्हें मालूम है कि टॉमी ने रमोन की कार खराब की थी, और उन्हें लगता है कि हमें ढूंढना है उसे। नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, वो हमारी नहीं सुनने वाले। हम उन्हें यकीन दिलाएंगे। जब तक वो समझ पाएंगे, हम सब मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पुलिस के पास ना जाए तो क्या? तो क्या मरने का इंतजार करें? कोई तरीका तो होगा इस चुड़ैल को रोकने का। मैं नहीं मानती ये सब, मुझे जाना है। आज मेरा म्यूजिकल है, और मैं तुम्हारे हैलोवीन के बासी प्रैंक में नहीं पढ़ूंगी। रूठी प्रैंक रही है। मुझे पता है तुम्हें राइटर बनना है साला, पर ये गलत है। रूठी, रूठी, रुको। क्या सोचते हो, इससे कुछ होगा? सेलो में तो ऐसा ही हुआ था। यानी हम इसे मिटा और जला भी नहीं सकते। सारा बेलोस कौन है, अब ये जानना होगा। पेपर मिल बंद हो गई है। सुनो, बेलोस ने सारा के मरने के बाद फायर्ड सिल्वी, सिल्वी बबिस्ते और उसकी बेटी लूलू को निकाल दिया, क्योंकि वो उसे काला जादू सिखाते थे। पेपर में छपा था तो सच ही होगा। क्या उसकी पिक्चर है? नहीं, बस नाम है, पर बददिमागी नमक का ऐड दिखा, जिससे पेट दर्द और कब्ज ठीक होता है, मेरे बड़े काम आता। ओगी, ओगी इसे देख के हंसता। मेरी आंखें जल रही हैं, और अब हमारे पास सारा का कुछ भी नहीं है। उसने फांसी किस साल गई थी? 1898। एक ही साल में सारा परिवार चला गया। तो कौन जिएगा जहाँ इतना खून खराबा हुआ हो? वो चले नहीं गए, गायब हो गए इस धरती से ही, जैसे बाप। डियर डैड, उसकी पेपर मिल थी, वो उसे बेचे बिना गायब। कोई खबर नहीं, बस गायब। डियर डैड, डियर डैड, मैंने एक नाम देखा है। द वेंडिगो डियर डैड। डियर डैड was a wealthy man and wanted to go hunting. हे भगवान, फिर से शुरू। वो फिर से कहानी लिख रही है। Another story. लाल स्थान? Oh
मुझे क्यों देख रहे हो? क्या? ओ शिट, मेरी बारी है। मुझे नहीं मरना, मैंने सौगात भी नहीं मनाई अभी। एक रात एक मकड़े ने एक लड़की के गाल पे काटा। मकड़ा? मैं मकड़ा था? जवान लड़की, रूथ, तुम नहीं हो, तुम्हारी बहन है रूथी। सिटी मिल वैली स्कूल म्यूजिकल, बाय बाय बर्डी। हनी, तुम्हें इसका कुछ करना चाहिए। बाथरूम से सेकंड फ्लोर। ओके। मैं आ गया रुचि। ओके, मैं आ गया, डोंट वरी। जल्दी हटाओ इन्हें मुझसे। डोंट वरी, मैं आ गया। सब ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक है। हटो। तुम ठीक हो? तुम एकदम ठीक हो? हेल्प, कोई किसी को बुलाओ जल्दी। रोजी शांत हो जाओ, कुछ नहीं है। हटाओ इन्हें मुझ पर से। चले गए हैं, हटा दिए सब। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, तुम ठीक हो? भगवान करे सब ठीक हो। मैंने देखा उसे, सारा सब कुछ कंट्रोल कर रही है। मेरी बहन तो गई, बहन गई, अब हमारी बारी है। मिला तुम्हें लुई बैप्टिस्ट और लुलू, 220 गोल चक्कर रोड। मुझे एक अजीब सा सपना आया, फिर मैं उस लाल कमरे में था और मोटी सफेद औरत कह रही थी, ये एक बुरी जगह है, बचना है तो भागो।
मुझे लगता है कि चुड़ैल मुझे इसी में फंसाएगी। हेलो, क्या लुलू बैप्टिस यही रहती है? मैं किसी देश को नहीं उड़ना चाहता, पर ट्रिकी ट्रिकी, ये कैसा नाम है प्रेसिडेंट का? मामा, कोई मिलने आया है। लुलू, आप हमें सुन सकती हो? शायद तुम्हारी बारी है। ऐसा क्यों कह रही हो? यही तो गाना है, ला ला ला, निकलो यहाँ से वरना समझो गए अपनी जा से। सारा को ये गाना बहुत पसंद था। किताब मेरे पास है। तुम्हें उनकी किताब मिली? दिखाओ मुझे। मैंने उसे दी थी। मुझे इस बेचारे पे बड़ा तरस आता था। अकेले अंधेरे में। आपकी माँ ने उसे कुछ सिखाया था? वो है काला जादू। No. कोई जादू नहीं होता बच्चे, बस तपता गुस्सा। वो तो अभी कहानी कैसे लिख रही है? अच्छी कहानियाँ, बुरी कहानियाँ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या किया? तुम्हें ये किताब नहीं लेनी चाहिए थी। तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है। रेंगते रेंगते कीड़े आए। कभी कभी ये हो जाता है। मुझे जानना जरूरी है। फिर कभी मुझे उन्हें ठीक करना है। मुझे ठीक करना है। मुझे जानना है। उन्होंने डॉक्टर्स को सब कुछ बताया जिस अस्पताल में सारा ने जान दी थी। पर सारा ने तो घर में फांसी खाई थी ना? तुम वहाँ नहीं थे, मम्मा थी। अस्पताल के रिकॉर्ड में होंगे। सारा के भी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो, आज इलेक्शन है दोस्तों, तो अपनी आवाज सुनाओ। से नो टू द वॉर, से नो टू वियतनाम। बच्चों के जंग में शहीद होने को भी ना कहें। हमें एक पुराने पेशेंट के रिकॉर्ड्स देखने हैं। अभी फॉर्मर पेशेंट। हम पेशेंट्स के रिकॉर्ड शेयर नहीं करते। वेल, आई मीन, वो पेशेंट करीब 100 साल पहले मरी थी, तो उसे या फिर किसी और को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें उन पुराने रिकॉर्ड्स की क्या जरूरत है? ये एक स्कूल असाइनमेंट है। अब ऑन फिजिकोलॉजिकल ह्यूमन स्टडीज पर। हाँ, स्टडी।
मेरे ख्याल से पुराने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रेड रूम में मिलेंगे। लाल कमरा। 6 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम लगता है। पेन। फालतू टाइम पास। हट ना। क्या? Come on. हम लाल कमरे में नहीं जाएंगे। हम रेड रूम में नहीं जाएंगे। मैं नहीं जा रहा। चुप कर नौटंकी। मैंने अपना सपना बताया था ना, मुझे नहीं जाना। अरे वो वाकई में लाल नहीं है। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म है। मैंने कब कहा कि उसका रंग लाल होगा? नहीं, मुझे नहीं जाना। तो बस यही रहना, हम अभी आए, अपना ध्यान रखना। पकड़े मत जाना। लड़के कहाँ जा रहे हो? राम 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 राम। हे रुको, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हे रुको। रेड रूम। एडमिशन, साइकोलॉजिकल एग्जाम, खाने पीने के रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ है। एवरीथिंग। उसकी फैमिली ने उसे यहाँ एडमिट कराया था। यहाँ लिखा है कि उसे एक्रोमेसिया एल्बिनिज्म था। एक्रोमेसिया एल्बिनिज्म। उसे बेसमेंट में इसलिए रखा था क्योंकि उसे बीमारी थी। उसके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर एफ्रिन बिलो। उसका भाई? हाँ। हे भगवान, ये टॉर्चर, बिजली के झटके, इंसुलेशन थेरेपी, लेटरल सेरेब्रल डायथ्रेमी ट्रीटमेंट। ये क्या है? ये अजीब है। मैंने ऐसा पहले देखा है। मोम का सिलेंडर है। एलपी से पहले रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता था। इसका मतलब हम सारा की आवाजें सुनेंगे? वो पीछे भागा है। अलार्म बजाओ। तो अब तुम्हें सच बताना है। बताओ कि ना सारा। मैंने नहीं बच्चों को कुछ किया। मैंने कुछ नहीं। पर क्या ये सच है? क्या ये है?
मैंने नहीं किया, मैंने नहीं। सच बताओ सेरा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने उन्हें जहर दिया? नहीं, कोशिश की, मैंने कोशिश की उन्हें बचाने की, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं उन्हें बचा रही थी पर तुम सुन नहीं रहे थे। सच्चाई बताओ। उसे पता ही नहीं उसने क्या किया। वो सब पानी खराब था। हम ये बात कर चुके हैं सेरा। पानी से हुआ। पानी में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए तुम यहाँ हो। मिल से पानी में जहर तुमने। उसने नहीं किया, उसके परिवार ने किया। सेरा, क्या तुम सुन पा रही हो? बताती हूँ तुम्हें जो तुम्हें सुनना है। और वो क्या है? चार्ली को रेड रूम का सपना आया। चार्ली, रेड रूम? कौन चार्ली? चक। उसके सपने में एक औरत सफेद चेहरे वाली, काली आंखों वाली और लंबे काले बालों वाली चुपके से उसके कमरे में आती है। वो झुक के उसके कानों में कहती है, ये जगह बुरी है, भाग सको तो भागो। ये सही नहीं है चक। चक, प्लीज।
चक चक कहाँ हो? चक कहाँ है वो? उसे यहाँ होना चाहिए। चक 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 तुम्हारा दोस्त कहाँ है? स्टेला? डैड, तुम ठीक हो? कहाँ हो स्टेला? डैड मुझे डर है, मैं मरने वाली हूँ। बच्ची ऐसी बात नहीं करते, बताओ मुझे क्या बात है? आप कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं 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 स्टेला, ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, बताओ मुझे कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ, जो भी हुआ है हम उसे ठीक कर देंगे। मैं लापता होने वाली हूँ। कहाँ? आप मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों मेरी बेटी स्टेला? मैं आपको छोड़ के नहीं जा रही, मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा स्टेला, लापता कहाँ, क्यों, तुम किसी के साथ हो क्या? मेरी बात सुनो बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से नहीं गई। सब तो मुझे ही ब्लेम करते हैं। नो नो नो, प्लीज मेरी बात सुनो बच्चे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, तुम्हारी नहीं, उसकी अपनी दिक्कत थी, वो कहीं अंदर से टूट चुकी थी, सच में वो अंदर से परेशान थी। ये बहुत मुश्किल है, काश मैं तुम्हें सब कुछ सही से समझा पाता। आई एम सॉरी, आई लव यू डैड, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है स्टेला, सॉरी, मुझे जाना है। सुनो ना, तो तुम्हारे पापा लेने आ रहे हैं। स्टेला, क्या हो रहा है? मुझे अभी जवाब चाहिए, समझी? निक्सन 43 पे हैं और हम प्री 35 पर वॉल से एक पॉइंट से। मेरी कॉल का क्या हुआ? फौज के भगोड़ों के लिए रूल्स लागू नहीं होते। तूने क्या सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा? रेमोन मोरालेस, देश की सेवा तो करनी ही पड़ेगी बेटा, ऐसे या वैसे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर अपने गुमशुदा दोस्तों के बारे में बताना होगा। जो भी हमें पता है हमने बता दिया। हाँ, क्यों नहीं, सारा बेलोस की किताब, कहानियाँ अपने आप छपती हैं और सच होने लगती हैं। हमें कोई लाश नहीं मिली। पता है, यकीन नहीं होता, पर हमने रूथ को बचाया स्कूल में। रूथ स्टेनबर्ग, उसकी बात कर रही हो? तुमने किसी को नहीं बचाया, वो पागल खाने में रहेगी जिंदगी भर। घर जाओ स्टेला, तुम आजाद हो। इस भगोड़े से बहुत अच्छे लड़के हैं दुनिया में, और तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाना है तो जेल की एक रात शायद तुम्हारी जुबान खुलवा दे। और भाई, घर जाओ और शर्त के 100 रुपए तैयार रखना, जब निक्सन जीतेगा तो ला देना। मैं यहाँ बंद कर दूं। ऐश करो लव बर्ड्स। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, तुम सोच रही हो कि मैं कायर हूँ। बिल्कुल नहीं। दो महीने पहले मेरा भाई वियतनाम से लौटा, मगर चीथड़ों में। I'm so sorry. पिछले हफ्ते मेरी फौज में जाने की बारी आई तो वो बस हमें मरने को भेज देते हैं। मुझे डर है, जाने बुक में मेरे लिए क्या लिखा जाएगा। Thank you.
Alele, goodbye. Yeah. That's good, huh? Meet our Dottie Walker. ये बकवास कौन लिख रहा है? तुमने लिखा ये स्टेला? हमने कुछ नहीं लिखा। बाहर निकालो, अगर नई कहानी छपी है तो हम सब खतरे में हैं। बताओ हमें क्या हो रहा है? क्या है कहानी? प्लीज हमारी बात सुनो, हम सब मरने वाले हैं। मेरी बारी। बताओ प्लीज कहानी में क्या है? इतना बता दो किसका नाम है कहानी में? रेमोन। ओह माय गॉड, कैंप फायर स्टोरी। बचपन में उसे डरता था मैं। जंगल में ना रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या हो रहा है? स्टेला मत सुनो। मीट आई डॉफ्टी वॉकर। क्या तुम मुझ पर गोली चला रहे हो? जाने दो प्लीज। भगवान ये क्या है? हेल्प, कोई सुन रहा है? जल्दी कम ऑन। चाबियां ये रही। कम ऑन जल्दी। कम ऑन, गो 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 गो।
घर जाओ, उसे सच बताओ, ये चीज मेरे पीछे है तुम्हारे पीछे नहीं। पर कहानियाँ हर बार सच हुई हैं। तो जल्दी जाओ, उसे रोको और ये भी रुकेगा। सुनो प्लीज, भगवान के लिए ये कहानियाँ बंद करो। हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम गलत नहीं हो, हमें पता है तुमने बच्चों को जहर नहीं दिया। बस ये कहानी सुनानी बंद करो। स्टेला, कहाँ हो तुम? द हॉन्टेड हाउस। नो, स्टेला। स्टेला। कहाँ हो तुम स्टेला? सारा, सारा, ये मेरे ऊपर है, छोड़ दो हेरॉड। सारा, सारा, कहाँ हो तुम? मैं उसे सुन सकती हूँ। वो यही है, वो मेरे कमरे में है।
सेरा कहो लूलू कहाँ है सारा? पता नहीं मैम। झूठ बोल रही है। झूठ? लूलू, नहीं मैम, मैंने उसे नहीं देखा। नहीं मिस्टर बेलोज, प्लीज नहीं। से नहीं छुप सकती। नहीं, नहीं। Help, help. सिस्टर। Help. मुझे जाने दो, प्लीज। ये बच्चों को पानी के बारे में बता रही है। क्या करें इसका? Help me, please. अपना साला मुंह बंद रखो वरना हम सिल देंगे। Please help me. Please. जहाँ से आई हो वही भेज देंगे। चुप रहो वरना तुझे पता है तेरा क्या होगा। हेल्प, प्लीज भगवान के लिए मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। एक और बार और हम तुम्हें पागल खाने भेज देंगे। क्या? नहीं, तुम्हें अपने कमरे में ही रहना चाहिए था। प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। तू रोशनी के भी लायक नहीं। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सारा नहीं हूँ। प्लीज मेरे पास एक और कहानी है सिर्फ तुम्हारे लिए। स्टेला, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो प्लीज उसे सच बता दो। नहीं, इस बार तुम एक कहानी सुनोगी। स्टोरी सारा, तुम मजबूर थी और अब तुम एक राक्षस बन गई हो, जो वो तुम्हें कहा करते थे। मेरे दोस्त लिए, मेरे
दोस्त सबसे प्यारे दोस्त। रामन, क्या तुम उसे भी छीन लोगी जो तुम्हारे परिवार ने किया? वो उनकी करनी थी, पर जो तुम कर रही हो वो तुम्हारा किया है, सारा सब तुम्हारा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, सच्ची कहानी मैं सुनाती हूँ, पर ये गुस्सा इसे रोकना होगा सारा। अपने खून से लिखो, बेलोज बेगुनाह थी, उसे सच पता था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो बहादुर लड़की थी, उसे टॉर्चर किया उसी के परिवार ने, उसके लालच और झूठ ने और उसके पाप ने। मैं एक कहानी कहती हूँ, मुझे जाने दो। तुम सब भुला सकती हो सारा, बुरी कहानियां बार बार कहने से कहानियां सच भी हो जाती हैं। उनमें वो ताकत है, कहानियां हमें बनाती हैं। They make us who we are. Stella. I'm just so happy you're okay. अगर मैंने सारा से कुछ सीखा है तो वो है हार ना मानना। मैंने सारा की कहानी लिखी जैसा मैंने वादा किया था, उस अकेली सफेद सी लड़की की जो अंधेरे में कहानियां लिखती थी, और कैसे उसके परिवार ने उसे राक्षस बनाया। कुछ ने मेरा यकीन किया, कुछ ने नहीं किया। लियोन की सारा की तरह मैं भी अकेली थी, जिसे डरावनी कहानियों का शौक था। मुझे खत लिखना। हर रोज फिर मिलेंगे। तुम्हारा नाम? रामन मोरालेस।
चाहना सिखाता, वो हमें बहादुर बनाती हैं, तो एक दूसरे की जरूरत भी सिखाती हैं, एक घर देती हैं वापस आने को। Come home with love, Stella. चक और अगली अभी भी लापता है, पर मुझे पता है उन्हें वापस लाया जा सकता है, और उनका रहस्य इसी किताब में है, और हम नहीं रुकेंगे जब तक वो मिल नहीं जाते।